Hey guys, welcome back another video. तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा, रणबीर कपूर का और एक मूवी टीजर आया है कल ही, जिसका नाम है शमशेरा। और ये भी देखो बहुत दिन से डिले हो जा रहा है, ठीक है। 2018 में ये अनाउंस हुआ था, 2019 के दिसंबर पे आने वाला था, पर कोविड की वजह से नहीं आ पाया, डिले हो गया। उसके बाद 2020 का अनाउंस हुआ, 2020 में आएगा, पर तभी भी डिले हो गया, वही कोविड की वजह से। फिर 2021 के जून महीने में आने वाला था, फिर भी डिले हो गया थर्ड वेव की वजह से। बट अब फाइनली रिलीज हो रहा है, लिटरली रिलीज हो रहा है, अब कोई डिले नहीं है, ऑफिशियल अनाउंस है। और ऑब्वियसली टीजर आ गया है, और टीजर पे ही अनाउंस कर दिया कि ट्रेलर भी आने वाला है कल, मतलब 24 जून को, और ये मूवी रिलीज होने वाला है 22 जुलाई को, मतलब सही है। तो इतने डिले होने के कारण लोगों के अंदर से हाइप बिल्कुल खत्म हो गए, मतलब जिनके अंदर हाइप था वो भी खत्म हो गया, कोई हाइप नहीं था लिटरली। और देखो मैं भी पर्सनली एक्साइटेड नहीं था, बट टीजर आने के बाद कुछ हुआ है, ठीक है, तो उसी के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली पहले अपना इंट्रो लगा लेते हैं। तो इतने सारे भसड़ के बाद मेरा कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं इस मूवी से, कि पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा। और यशराज फिल्म का पता नहीं क्या दिक्कत चल रहा है, अभी इनका जितने भी मूवी आ रहे हैं उन पे पता नहीं ये प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये सारे मूवी में एक चीज कॉमन है, ये बहुत डिले हो चुका है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है प्रमोशन ना करने की, बस ये लोग चाह रहे होगा कि किसी तरह मूवी निकल जाए, जितने भी ये पुराना झमेला है इसको बस मैं किसी तरह निकाल लूँ। जैसे कि जय जवाहर जोरदार कोई देख लो, वो मूवी बुरा नहीं था, वो मूवी अच्छा था, फिर भी चल नहीं पाया क्योंकि प्रमोशन किया ही नहीं। जो कि अच्छे बजट में बन रहा है मूवी, अच्छे कास्ट के साथ, फिर भी ये लोग प्रमोशन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। पर जो भी हो, देखो ट्रेजर आने के बाद मैं एक्साइटेड हो गया, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो सिनेमाटोग्राफी है और बाकी सारे जितने विजुअल दिखाए गए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, देख के लग रहा है हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। शायद दूसरे जो मूवी आ रहा है जैसे कि पृथ्वीराज टाइप का मूवी, उससे कुछ अलग दिखेंगे मूवी बॉलीवुड की तरफ से। और इसके जितने भी कलर टोन तुम देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं KGF 2 से, मतलब KGF 2 में जैसा डार्क थीम था इसमें भी डार्क थीम है, बट वैसा नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा सिनेमाटोग्राफी लग रहा है। तो आई होप कर सकते हैं कि अच्छा निकले, और ऊपर से ट्रेलर आएगा तो उसके ऊपर बात करूंगा। और ये मूवी रिलीज होने के लिए सिर्फ एक महीने बचा है, और अभी जब इसका ट्रेलर आया, पर ब्रह्मास्त्र का देखो वो अभी भी 3 महीने बचा हुआ है, उसका ट्रेलर पहले दे दिया, और सारा हाइप तो वही लेके बैठा है। और अभी ये जो ट्रेलर आया इसका कोई हाइप बनेगा क्या? मुझे लगता है बनेगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर के बाद बहुत ज़्यादा हाइप हो गए हैं, और रणबीर कपूर भी ट्रेंड पे चल रहा है, और इसी हाइप की वजह से शायद ये मूवी का ट्रेलर दिया है। बट एक दिक्कत भी नहीं है कि मान लो ये मूवी खराब हो गया किसी तरह, ये मूवी अगर बुरा पिट गया तो इसका इफेक्ट ब्रह्मास्त्र पे नहीं पड़ेगा। तो बस होप कर सकते हैं कि मूवी कुछ अच्छा ही दे, जैसे कि हर एक बॉलीवुड की मूवी जब आता है तो होप करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, और मैं चाहता हूँ अगर अच्छा निकले प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, और कुछ नहीं चाहता। और कल जब ट्रेलर आएगा ऑब्वियसली ट्रेलर का ब्रेकडाउन या फिर ट्रेलर का रिव्यू तो ऑब्वियसली आएगा, और रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। अभी तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और तुम लोग जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ वो बेल आइकन को भी दबा दो, और मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करके जाना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, ना बाय बाय, ठीक है।